हाय फ्रेंड, मैं हूँ अश्विनी, अश्विनी मेजबानी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भरवा भिंडी। भरवा भिंडी बहुत टेस्टी और डिलीशियस बनती है और कुछ अलग तरह से हम भिंडी ट्राई करेंगे। टेस्टी और डिलीशियस बनती है और बहुत फटाफट बनती है। हमें मार्केट से नया सामान कुछ भी नहीं चाहिए, जो घर में अवेलेबल होगा वही चीज़ हम यूज करके बनाएंगे। भरवा भिंडी बहुत टेस्टी और यम्मी बनती है और सबकी फेवरेट हो जाएगी घर में भरवा भिंडी। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। भरवा भिंडी बनाने के लिए हमें यह भिंडी चाहिए, तो मैंने ये भिंडी को अच्छे से धो के साफ करके लिया है। ये 250 ग्राम है। देखो, इस तरह की भिंडी चाहिए, कच्ची है बिल्कुल। अभी हमें इसको काट के लेना है। हमें भिंडी का आगे का पोर्शन और पीछे का थोड़ा थोड़ा कट करना है इस तरह से, और आपको कितनी लेंथ में चाहिए उस तरह से आपको भिंडी कट करनी है। ज़्यादा बड़ी होगी तो इसके दो पीस कट करेंगे, और अगर छोटी है तो एक ही में रहने देंगे। और फिर इसे हम ऐसे बीच में से कट लगाएंगे इस तरह से। देखना है लेकिन अंदर से ख़राब तो नहीं है। देखो, इस तरह से ऐसे कट लगाएंगे। पूरी भिंडी इसी तरह से काट के रेडी कर दूँगी। हमें इस तरह की भिंडी काट के लेनी है। अभी मैं ये पूरी भिंडी काट के लेती हूँ। देखो, इस तरह मैंने पूरी भिंडी को कट करके लिया है। अभी हम मसाला बनाते हैं। मैं भिंडी को साइड में रख देती हूँ। सूखा नारियल, मूंगफली और थोड़े तिल है एक स्पून, और दो बड़े चम्मच मूंगफली है और दो बड़े चम्मच सूखा नारियल है। अभी हमें इनको पीसना है। तिल ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हो तो डाल दो, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन ये दोनों ज़रूरी है। ये स्टफिंग के लिए बनाना है हमें मसाला। तो अभी इनको मैंने मूंगफली को भून के लिया है। इन दोनों को भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं इसे मिक्सी जार में डाल के इनको पीस लेती हूँ। पहले हम ये सूखा नारियल पीस लेंगे। ये हार्ड होता है, जल्दी से नहीं पीसता, और बाद में ये दोनों चीज़ें इसी में ऐड करके हम पीस लेंगे। अभी मैं पहले इसको पीस लेती हूँ थोड़ा सा। देखो, अभी मैंने नारियल पीस लिया। अब हम इसमें डालेंगे मूँगफली और तिल, और अभी हमें इनका बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार करना है। अभी देखो, मैंने इसको पीस लिया। अभी मैं डालूंगी इसमें कुछ लहसुन की कली, और अब हम इसको पीस लेते हैं। तरह का मसाला हमें पीस के रेडी करना है। अभी मैं इसको प्लेट में निकाल देती हूँ, ये जो हमने मसाला पीस के रखा है। आपका भिंडी कितना कम ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें मसाला डाल सकते हो। ये मसाला ख़राब नहीं होता, आप इसको एक छोटे से कंटेनर में भर के फ्रिज में रख सकते हो। अभी हमें इसमें ऐड करने हैं ड्राई मसाले। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच धना पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि बाद में ऊपर से थोड़ा डालेंगे, तो जब बाद में ऊपर से डालेंगे तब हमें याद रखना है कि हमने अंदर भी स्टफिंग में भी ये मसाले में भी हमने नमक ऐड किया है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो एक स्पून पानी इसमें ऐड करेंगे। अभी मैं इसमें थोड़ा सा छोटा एक चम्मच इतना पानी ऐड करूँगी ताकि ये मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए और ये हमारे भिंडी में अच्छे से स्टफ हो जाए। तो अभी अच्छे से मिक्स करेंगे। देखो, अभी मैंने इसको अच्छे से हाथ से मिक्स किया है। अभी हमें भिंडी में ये मसाला भरना है, इसको स्टफ करना है। तो इस तरह हमें भिंडी पकड़नी है जिसे हमने कट लगाया है। इस तरह से पकड़ के हमें जितना मसाला इसमें आएगा उसमें इसको स्टफ करना है इस तरह से, और फिर इसको ऐसे प्रेस करके हमें इसी तरह सारे भिंडी में मसाला स्टप करना है। देखो, इस तरह से हमें भिंडी को ऐसे पकड़ना है और इसमें मसाला स्टप करना है। इस तरह से भिंडी बनाते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगती है। बार बार वही सिंपल सी भिंडी खा खा के ना हम लोग थक जाते हैं, तो मन नहीं करता। और अभी गर्मी है, गर्मी में और सब्ज़ी भी कुछ ज़्यादा नहीं मिलती है। तो इस तरह से सब्ज़ी बनाओगे भिंडी का तो बहुत टेस्टी बनेगी, और पूरे परिवार को भिंडी बहुत पसंद आएगी। देखो, इस तरह से मैं अभी सारी भिंडी स्टफ कर लेती हूँ,
और बहुत जल्दी और फटाफट बन जाती है। तो इस तरह से मैं अभी सारी भिंडी को रेडी कर लेती हूँ। देखो मैंने अभी सारी भिंडी को अच्छे से मसाला भर दिया है। देखो इस तरह से अभी हमें क्या करना है, गैस पे एक कढ़ाई रख के हमें इसमें भिंडी को हमारे हल्का सा फ्राई करना है। अभी देखो मैंने गैस पे एक कढ़ाई गरम कर दी है। अभी हमें इसमें डालना है ऑयल। आप नॉर्मल कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो जो खाना बनाने के लिए यूज़ करते हो। मैं इसमें अभी सरसों का ऑयल डाल दूँगी क्योंकि सरसों के ऑयल में ना भिंडी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। आपके पास जो ऑयल अवेलेबल है या आप जो सब्ज़ी में यूज करते हो वो यूज करना। तो मैंने अभी यहाँ करीबन 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है। तो ऑयल को हम एक बार अच्छे से गर्म होने देते हैं। फिर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अभी हमें एक एक करके भिंडी इसमें ऐड करनी है। अभी मैंने भिंडी को देखो अच्छे से उस सारी भिंडी को कढ़ाई में डाल दिया है। तो अभी हमें इसे लो फ्लेम पे ऐसे ही 2 मिनट रहने देंगे। इसके ऊपर लेड नहीं रखेंगे। अभी देखो 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी भिंडी नीचे से देखो पक चुकी है। इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अभी हमें इसको हल्के से ज़्यादा बस इनका साइज चेंज करना है। तो इस तरह और अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। 1-2 पिंच इतना, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमने मसाला जब तैयार किया था उसमें भी हमने नमक ऐड किया है। हमारा गैस का फ्लेम लो ही है, हमें हाई नहीं करना है। अभी इसके ऊपर मैं एक लीड रख देती हूँ और इसे 2 मिनट अच्छे से पकने देती हूँ। देखो अभी हमारे 2-3 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी भिंडी की सब्जी रेडी है। देखो हमारी भिंडी पक चुकी है। अभी हमें गैस की फ्लेम ऑफ करनी है और ये भिंडी की सब्जी हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। देखो कितनी बढ़िया और टेस्टी बनती है, बहुत बढ़िया बनती है। और भिंडी को ज़्यादा पकने के लिए टाइम नहीं लगता है और ना हाई फ्लेम पे पकानी है, हमें इसे लो फ्लेम पे ही पकानी है। तो बहुत टेस्टी और यम्मी बनती है। अभी मैं इसको ना एक प्लेट में निकाल देती हूँ। देखो इस तरह हमारी टेस्टी और यम्मी भिंडी बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। और ये सूखी सब्जी के तौर पे भी खाई जा सकती है और ये ऐसे भी दाल चावल के साथ अगर कोई साइड डिश नहीं है तो ये आप भी इसको भिंडी को ले सकते हो बना के। और देखो कितनी टेस्टी है सब्जी, रोटी, दाल चावल किसी के भी साथ आप ये भिंडी की सब्जी खा सकते हो और बहुत फटाफट बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आपको थोड़ा सा इसमें नींबू निचोड़ के खाना है तो भी आप खा सकते हो। आप इसके ऊपर हरे धनिया से गार्निशिंग भी कर सकते हो या आप इसमें प्याज फ्राई करके भी क्रिस्पी करके भी डाल सकते हो। बहुत टेस्टी और डिलीशियस बनती है और बहुत फटाफट बनती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप भी इस तरह से ये भिंडी की सब्ज़ी एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत टेस्टी और यम्मी बनती है और बहुत फटाफट बन जाती है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप भी इस तरह की भरवा भिंडी ज़रूर ट्राई कीजिए। वही पुराना सा टेस्ट खा खा के हम भिंडी थक जाते, वही रिपीट रिपीट बना के थक जाते, तो कैसे कुछ नई तरीके से आप भिंडी बना सकते हो। भिंडी की बहुत सारी रेसिपी है, अलग अलग तरह से बन भिंडी सबको पसंद भी होती है। तो इस तरह से अगर आप ये भिंडी बनाओगे तो आपके घर में सबकी बहुत फेवरेट हो जाएगी। और अभी गर्मी का सीज़न है तो ये अच्छी सब्जी मार्केट में नहीं मिल रही है, भिंडी वगैरह ऐसे ही मिलता है। तो वही सब्जी का पुराना सा टेस्ट खा के अगर हम थक गए हैं तो नया कुछ ट्राई करके इस तरह की आप अगर भरवा भिंडी बनाओगे तो आपके पूरे परिवार को बहुत पसंद आएगी। इस तरह की भिंडी आप ज़रूर ट्राई करना। हम फिर मिलेंगे नई सिंपल और चटपटी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।